भारतीय वायुसेना द्वारा पुलवामा हमले के बाद देर रात पाकिस्तान में वायुसेना की कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए आजम खान ने कहा, वतन की हिफाजत के लिए जो भी फौजी कार्रवाई हो चाहे और सभी को बगैर मजहब के फर्क के कौन किस इलाके का है, पूर्व से पश्चिम से दक्षिण तक पूरे हिंदुस्तान को एक मुट्ठी की तरह इस कार्रवाई की हिमायत करनी चाहिए और एक महफूज हिंदुस्तान का हाल रखना चाहिए। इसी के साथ ऐसी तमाम तंजीमें जो मोहम्मद के नाम से, जो नाम अमन का, शांति का, प्यार का और मोहब्बत का नाम है, तकरीबन 1600 सालों से है, उस नाम को बदनाम करने वाली तमाम ऐसी ताकतें पूरी दुनिया के मुसलमानों को उनकी मजम्मत करनी चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए और ऐसी ताकतों पर न सिर्फ ही के रोक लगनी चाहिए बल्कि ऐसी ताकतें जो पाक मोहम्मद साहब के नाम को बदनाम करती हैं, उनके नाम से दहशत तंजीमों की तश्कील करती हैं, बनाती हैं, उससे दहशत फैलाती हैं, बेगुनाह इंसानों की जान लेती हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों को और इंसानों को एकजुट होकर उसकी निंदा करनी चाहिए। बहुत इम्तहान की जरूरत है आपसे रिश्तों को, मेल मिलाप को, मोहब्बतों को, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा कलीसिया सबको इस मौके पर एक साथ खड़े होकर वतन की हिफाजत के लिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसलिए वतन हमारा है और हम वतन में हैं। मैं इस मौके पर इंडियन आर्मी को, एयरफोर्स को, उनके इस मुजाहिदाना कारनामे के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि 135 करोड़ हिंदुस्तानी उनकी फौज का हिस्सा है। हम हैं तो वतन है, वतन है तो हम हैं, हम दोनों एक दूसरे के लाजिम हैं। इसमें से एक चीज भी अलग कम होती है तो न धर्म, न मजहब, न जात, न पूरब से पश्चिम, न उत्तर से दक्षिण, न अमीर गरीब, छोटा बड़ा, औरत पर बूढ़ा बच्चा, ये कुछ भी नहीं है। तेरे ख्वाब के ढेर के सिवा कुछ नहीं। हमें कोशिश करनी है इस बात की कि हम दुश्मन के मंसूबे को कामयाब ना होने दें, कि हम अंदर से कमजोर हो जाएं। हमें अंदर और बाहर दोनों से मजबूत होना है, हमारे आपसे रिश्ते मजबूत होना है, हमारी सरहदें मजबूत होना है और सरहद के हर दुश्मन से होना है। ये भी कहना चाहूंगा कि मोहब्बत जो कि अमन शांति मोहब्बत का नाम है, इस्लाम की बुनियाद है, इस नाम को बदनाम करने वाले लोग जो दहशत के कारखाने इस नाम से चलाते हैं कि अपनी तंजीम का नाम मोहम्मद के नाम से जोड़ते हैं, मुसलमानों को और दुनिया के मुसलमानों को इसकी निंदा करनी चाहिए, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। अब बगैर किसी खौफ, ये बात किसी की खुशामद के लिए नहीं कही जा रही है, किसी को खुश करने के लिए नहीं कही जा रही, क्योंकि अगर किसी को खुश करना है तो सिर्फ अपने मालिक को करना है। हम अपने मालिक की खुशी के लिए कहना चाहते हैं कि इंसानी खून मोहतरम है और उसे नुकसान पहुंचाने का अगर किसी को हक है तो सिर्फ